जय निष्ठा सर। तीसरे और अंतिम दिन में ये अंतिम और फाइनल मुकाबला यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ। लाइनमैन स्कोरर सभी चुस्त दुरुस्त। जीरो यारिया क्लब वर्सेस सिरवाना। पिछले साल जो 16वां संस्करण यहाँ पर है कारगिल सहित वीर चक्रों से प्रसाद स्मृति वॉलीबॉल का यहाँ पर हमारे ग्राउंड में हुआ था, उसकी विजेता टीम पिछले वर्ष की गत विजेता सिरवाना अब की बार भी फाइनल में पहुंची है और उनके साथ है यारिया क्लब फाइनल मुकाबला खेलते हुए। यानी धीरे धीरे फाइनल मैच आगे बढ़ता हुआ यारिया क्लब की तरफ से हल्का सा प्रहार और सुंदर तरह से स्ट्राइक अंक मिला यारिया क्लब को। अच्छा डिफेंस सिरवाने की तरफ से, प्रहार जरूर किया लेकिन यहां पर सफल नहीं हो पाई इस बार यारिया क्लब के खिलाड़ी। अंक मिलता हुआ सिरवाना को, दोनों टीमें दो दो अंकों की तरह हुई पर इस बीच एक भाग्य ने साथ दिया इस बार सिरवाना का। और इस बीच भाग्य बार बार साथ नहीं देता इस बार यारिया क्लब को अंक मिलता हुआ। तीन बराबर थ्री और तीन बराबरी पर इस बीच सिरवाना का लिब्रोवर अच्छा डिफेंस और इस बीच आउटलाइन और इस तरह से अंक मिला यारिया क्लब को। फोर थ्री चार थ्री यारिया क्लब एक अंक की बढ़त बनाता हुआ इस बीच की तरफ। अच्छा डिफेंस और अच्छा स्पाइक लेकिन सुंदर यहां पर डिफेंस और इस बीच हल्का सा पुश किया इस बीच सिरवाना को अंक मिलता हुआ। लगातार दर्शकों की तालियां एक एक अंक पर दर्शकों का उत्साह देखते हुए बनता है। इस बीच यारिया क्लब का शानदार प्रहार जरूर था लेकिन ज्यादा बाहर मार बैठे और इस तरह से यारिया क्लब की सर्विस भाग्यशाली रहे। फिलहाल बॉल हवा में और इस बीच यहां पर बॉल बाहर जाती हुई यारिया क्लब एक और अंक के साथ आगे बढ़ता हुआ। सिक्स फाइव एक अंक का अंतर दोनों टीमों के बीच में लेकिन इस बार खराब सर्विस दोनों तरफ से अभी तक सर्विस कोई खास नहीं कर पाए हैं। सिक्स छह ये पहला सेट चलता हुआ फाइनल मुकाबले का। हल्के हाथों से प्रहार जरूर किया सिरवाने की तरफ से जबरदस्त प्रहार और सफल हुए इस बार अंक प्राप्त करने में। सेवन सिक्स सेवन सिक्स एक अंक की बढ़त बनाए हुए सिरवाना। ये 17वां संस्करण इस बात को लेकर आखिर 17वें संस्करण का विजेता कौन होगा इसका निर्णय कुछ ही सोलह मिनट बराबर हमारे सामने होगा। इस बीच बॉल को जरूर वहां पर प्रहार किया बॉल बाहर जाती हुई चेकआउट और इस तरह से अंक मिला सिरवाना को। एट सेवन तेरह नंबर की जर्सी पहने विनोद सर्विस करते हुए अच्छा पास और वहां पर अच्छा स्ट्राइक जरूर किया था चुपके से लेकिन सफल नहीं और इस बीच बाहर मार बैठे। निश्चित रूप से अंक इस बार सिरवाना को मिलता हुआ। नाइन सेवन और इस बीच जरूर मारना चाहते थे छुपते से मारना चाहते थे चौकंडे सिरवाना के खिलाड़ी और इस तरह से एक और अंक यहां पर सिरवाना को मिलता हुआ। टेन सेवन सिरवाना की सर्विस तिरछी सर्विस लेकिन फिलहाल यहां पर जरूर अटैक करना चाहते थे सफल हुए और इस तरह से यारिया क्लब को एक और अंक मिलता हुआ। एट टेन आठ दस तीन अंकों का फासला अभी भी बना हुआ
दो अंकों का। और इस बीच आउट मार बैठे और अंक एक बार फिर मिलता हुआ आर्या क्लब को 9-10। को अंक देता हुआ बात 12-9 सिरवाना की तरफ से सर्विस सीआरए क्लब के पाले में बॉल खड़ी की जा रही और इस बीच जबरदस्त प्रहार और इस बीच अंक मिलता हुआ सीआरए क्लब को 10-12 का मुकाबला। अच्छी सर्विस, अच्छा डिफेंस और इस बीच लक्ष्य भेदने में कामयाब रहे सिरवाना के खिलाड़ी, अंक प्राप्त किया 13-10। सिरवाना की तरफ से सर्विस जाती ही सुंदर क्लब के पाले में बॉल खड़ी की जा रही और इस बीच कैप को भरने में कामयाब यारिया क्लब 11-13। सर्विस यारिया क्लब की तरफ से, देखना है सिरवाना के खिलाड़ी क्या करते हैं। अच्छा स्मैश लेकर ब्लॉक कर ले गए हैं, पुनः गेंद सिरवाना के पाले में लेकिन गेंद को नेट पर उलझा गए और फलस्वरूप एक अंक गवाया सिरवाना ने 12-13 पे। एक एक अंक के लिए जूझती हुई दोनों टीमें और वहां पर खाली जगह प्राप्त हुई सिरवाना के खिलाड़ियों को और कामयाब भी रहे वो खाली जगह भरने में 14-13। सुंदर धूप के बीच फाइनल मुकाबला इंटर कॉलेज गिल बुखाल के मैदान पर चलता हुआ, विनोद सर्विस करेंगे। इसमें सुंदर डिफेंस यार कलर के पाले में छोटी सी बॉल को मारना चाहते थे लेकिन हल्का सा पास और चौका नहीं आया था सिरवाना के खिलाड़ी और इस तरह से लंबे कद के खिलाड़ी उसका जरूर फायदा उठाया, अंक प्राप्त हुआ सिरवाना को। सिरवाना में बढ़त बनाए हुए सर्विस सिरवाना की तरफ से, देखना है यारिया क्लब के खिलाड़ी क्या करते हैं और आउट करार दिया गया मुख्य निर्णायक श्री भारत सिंह रावत जी के द्वारा 16-12 पे सर्विस सिरवाना की तरफ से बिना गया। अच्छा शॉट लेकिन अच्छा जवाब वहां पर सिरवाना के खिलाड़ियों के द्वारा 17-12। विनोद की सर्विस और इस बीच प्रहार जरूर किया लेकिन जाल में मार बैठे, सफलता नहीं मिली। निश्चित रूप से एक और अंक के साथ सिरवाना आगे बढ़ता हुआ 18-12 और उसके बाद पुनः खेल शुरू होता हुआ सिरवाना की तरफ से सर्विस यारिया क्लब के खिलाड़ी हुआ। अच्छा स्मैश लेकिन अच्छा जवाब यहाँ सिरवाना की टीम के खिलाड़ियों के लिए और चतुराई भरा ड्रॉप वहां पर यारिया क्लब के खिलाड़ी के द्वारा और एक और अंक जुटाया अपनी टीम के लिए 13-18। पहला सेट चलता हुआ और दोनों खिलाड़ियों के द्वारा कसमा कस हवा में जरूर हुई और यहां पर हमारे सहायक निर्णय शिव सिंह रावत जी की नजरों से नहीं बच पाए सिरवाना के खिलाड़ी, अंक मिला यारिया क्लब को। अच्छा प्रहार इस बार और अंक इसी बार सिरवाना को मिलता हुआ 19-14। अभी भी 5 अंकों की बढ़त सिरवाना के पास, सर्विस सिरवाना के पास से, देखना है यारिया क्लब के खिलाड़ी क्या करते हैं। अच्छा स्मैश लेकिन बॉल पाले में सिरवाना के और अच्छी कोशिश वहां पे यारिया क्लब के द्वारा लेकिन नाकामयाब रहे और एक और अंक गवाया यारिया क्लब की टीम ने 20-14। धीरे धीरे अच्छी बढ़त की तरफ बढ़ता हुआ सिरवाना और इस बीच एक असफल प्रयास यारिया क्लब का
और एक और अंक के साथ सिरवाना आगे बढ़ता हुआ 21-14 पहला सेट में फाइनल मुकाबला चलता हुआ 7 अंकों की बढ़त। लेकिन ये क्या कर बैठे यारिया क्लब के खिलाड़ी खुद उनको ही पता नहीं चला और आसान सी बॉल उन्होंने छोड़ दी और एक और अंक अर्जित किया सिरवाना की टीम ने। गत विजेता सिरवाना की टीम 22-14 पहला सेट। अगली शर्मी सिरवाना की और इस बीच जरूर वहां पर चौकन्ने थे खिलाड़ी यारिया क्लब के पाले में बॉल और हल्का वहां पे प्रहार किया लेकिन सुंदर जवाब और इस बीच सिरवाना की तरफ से काफी देर से बॉल हवा में बाएं हाथ से प्रहार किया पूरा धकेला यारिया क्लब के पाले में पुनः बॉल आती हुई सिरवाना के पाले में लेकिन आउटलाइन के बाहर। इस सर्वे सिरवाना की तरफ से पलायन सॉरी यारिया क्लब को कुछ करना होगा अगर इस पहले सेट में उन्होंने बना रहना है तो। इससे पहले जो मैच यहाँ पे तलाई का चल रहा था अच्छे खिलाड़ी उसमें थे इसलिए हमारे कमेंटेटर की जुबान भी फिसल जाती है ऐसे अच्छे खिलाड़ी के खेल से लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। 16 पे सर्विस करती हुई सिरवाना पहले सेट में गुलाब हो गया। और ये जो मुकाबला होगा फाइनल मुकाबला 3 सेट का होगा और इस तरह से सारे ये पहला सेट 16।